9th class. Now let us do question number 2 of your exercise 12.1. And what is asked in this question is that the triangular side wall of a flyover, एक flyover है और ये triangular wall है. Okay बेटा, जिसकी sides है 122, 22, 120 meter, ये सब meter में है. Okay, तो क्या कहता है, देखिए, walls of a flyover have been used for advertisement. और इस एक wall को उसने advertisement के लिए use किया है. The side of the walls are 122 meter, 120 meter and 20 meter. The advertisement yield an earning of 5000 per meter square. 5000 per meter square उसकी कीमत है एक meter square की. Advertisement की जो है 5000 rupees है per year. A company hired one of the wall for 3 months. और उसने एक कंपनी ने उस इस वॉल को हायर कर लिया 3 मंथ के लिए. तो ये ईयर का कितना हिस्सा हो गया, 3/12. इसके लिए हमें उसका अमाउंट निकालना है. हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो ये कितना रेंट पे करेगा ये हमें बताना. देखिए, हमने इस ट्रायंगल को ले लिया, ट्रायंगल एबीसी को ले लिया, इसका एरिया हमें निकालना है क्योंकि यही वॉल वो यूज करने वाला है जिसकी साइड है 122 meter एंड 120 meter. ओके बेटा, तो हमें इसका एरिया निकालना है. तो हम हेरेंस फॉर्मूला से करने वाले हैं इस एरिया को, और वो आपको मालूम ही है. देखिए, उसके लिए एस निकालेंगे, 122 + 22 + 120/2, दैट इज इक्वल टू 264/2 एंड दैट इज इक्वल टू 132 meter. नाउ हेरेंस फॉर्मूला में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की जरूरत पड़ने वाली है, वो सब हमने निकाल लिया. एंड वी आर गेटिंग 10 meter, 110 meter एंड 12 meter. कैसे आया ये, हमारा एस आया था 132, इसमें से इसको घटाया, फिर इसको घटाया और इसको घटाया, एंड वी आर गेटिंग एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. एस था 132. नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज इन दिस हेरेंस फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर द रूट. क्या आया, 132 इंटू 10 इंटू 110 इंटू 12. नाउ ब्रेक दिस वैल्यू, 132 11 इंटू 12, 10 तो वैसे ही था, 11 इंटू 10 एंड देन 12. मेक द पेयर, 10 10 दो बार आ गया, एक 10 बाहर निकाला, 11 11 दो बार, एक बार बाहर निकाल दिया. नाउ 12 12 दो बार, एक बार बाहर निकाल दिया. एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग ऑल दिस वी आर गेटिंग 1320 meter square. तो ये आया हमारा इस दीवार का एरिया जिसको कंपनी ने हायर किया है 3 महीने के लिए. हमें उसकी कॉस्ट निकालनी. देखिए, 12 महीने के लिए कॉस्ट था 5000, एक के लिए निकाला 5000 इंटू बाय 12 और 3 मंथ के लिए निकालेंगे तो 5000 इंटू 3/12. वही बात मैंने लिख दी है यहाँ पे, 5000 इंटू 3/12 और एरिया है 1320. तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1650,000 rupees. तो इतने पैसे कंपनी को देने पड़ेंगे और तब जाकर के कंपनी इस वॉल को जो हायर कर रही है वो उस पर एडवर्टाइजमेंट कर सकेगी. तो उन्होंने यही पूछा है कि इसके एडवर्टाइजमेंट वो 3 महीने के लिए कर रही है, आप बताइए कितना पैसा देना पड़ेगा. तो इतना अमाउंट उस कंपनी को देना पड़ेगा. ओके बेटा, सो नथिंग वॉज डिफिकल्ट, द थिंग वॉज दैट हाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट. स्टेटमेंट क्या है कि ये है हमारा, ये क्या है बताओ, ये है हमारा ट्राइंगुलर, नहीं, दिस इज द फ्लाई ओवर और ये ट्राइंगुलर वॉल है, एक ही वॉल को यूज कर रही है. हेरेंस फॉर्मूला से उसका एरिया निकालिए और उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कितने मंथ के लिए है, 3 मंथ के लिए, इसलिए 3/12 से भी मल्टीप्लाई कर दिया. एंड देन वी आर गेटिंग द कॉस्ट ऑफ हायरिंग दैट वॉल फॉर 3 मंथ्स. ओके बेटा, यस, 9th क्लास. नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3rd ऑफ एक्सरसाइज 12.1 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. एंड व्हाट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन इज दैट देयर इज अ स्लाइड इन पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन ब्लू कलर. एक स्लाइड है, ऐसे झूला है, यहाँ से चढ़ रहे हैं और यहाँ पे स्लाइड कर रहे हैं, तो ये झूला है. इसकी एक वॉल जो है, ये वॉल, इसको पेंट कर दिया गया है इन द ब्लू कलर विद अ मैसेज, कीप द पार्क क्लीन. तो ऐसे मैसेज के साथ में इसे ब्लू कलर से पेंट कर दिया गया है. इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 meter, 6 meter एंड 11 meter,
देन फाइंड द एरिया पेंटेड इन द कलर। देखिए ये साइड दी है इस वॉल की और हमें इसको ब्लू कलर में पेंट कर दिया गया और इसी का एरिया हमें बताना है। तो साइड्स क्या है, 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। तो एरिया हम किससे निकालने वाले हैं, हेरन्स फॉर्मूला से। और देखिए वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर द रूट। उसके लिए हमें एस निकालना होगा और एस होता है हाफ द पैरामीटर पी बाय टू, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू एंड दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 11 प्लस 6 बाय टू दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 32 दैट इज इक्वल टू 16 मीटर। नाउ बेटा एस माइनस ए निकालिए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वी आर गेटिंग 16 माइनस 15 1 मीटर, 16 माइनस 11 5 मीटर, 16 माइनस 6 10 मीटर। ये सब हमने निकाल लिया है। नाउ यू हैव टू पुट ऑल द वैल्यूज इन द हेरन्स फार्मूला। एस था हमारा 16, देन इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। नाउ ब्रेक दिस वैल्यूज, 16 को ब्रेक किया 4 इंटू 4 देन 1 देन 5 और 10 को ब्रेक किया हमने 5 इंटू 2। ओके बेटा, अब 4 टू टाइम्स सो इट इज कमिंग आउट टू बी वंस, 5 दो बार था तो 5 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा रूट 2। सो व्हाट इज द एरिया, एरिया इज 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। सो इसी एरिया को ब्लू कलर पेंट किया गया है, वही एरिया हमें फाइंड आउट करना था एंड दैट इज कमिंग आउट टू बी 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ओके बेटा, यस नाइन्थ क्लास, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 12.1। तो क्या पूछा गया, देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। दो साइड्स जो हैं 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। देखिए हमें पैरामीटर दिया गया है, थर्ड साइड इज मिसिंग, तो हम पैरामीटर में से अगर इन दोनों साइड को माइनस कर देते हैं वी विल गेट द थर्ड साइड। ओके, उसके बाद हमारी समस्या खत्म हो जाती है। ये आ जाएगी हमारा 14 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। उसके लिए हेरन्स फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फार्मूला, हेरन्स फार्मूला। ओके बेटा, सो उसके लिए हमें एस फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड व्हाट इज एस, दैट इज पैरामीटर बाय 2 और हाफ द पैरामीटर दैट इज इक्वल टू 42 बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज हेरन्स फॉर्मूला, यू नो इट बेटर बिकॉज वी हैव अप्लाइड इट मेनी टाइम्स इन दिस एक्सरसाइज। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर द रूट। देखिए जब एस था हमारा 21 इंटू 21 माइनस 18 फर्स्ट साइड, देन सेकेंड साइड 10 एंड देन थर्ड साइड 14। अब इसको माइनस करके लिख देंगे, 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, इसको तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, नाउ 2 7 सो 1 7 आउट, 3 भी 2 टाइम्स देन 1 3 आउट, सो वी आर गेटिंग 21 रूट 11। ये बन गया हमारा एरिया। एरिया किसका है, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ द हेरन्स फॉर्मूला। ओके बेटा, यस नाइन्थ क्लास, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 12.1 एंड व्हाट ही इज आस्किंग इन दिस क्वेश्चन इज दैट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशो 12:17:25 एंड दैट इज इक्वल टू 12x 17x एंड 25x। जब भी रेशो में दिया है तो एक कांस्टेंट साथ में ले लीजिए, k ले सकते हैं, a ले सकते हैं, हमने x ले लिया। ओके बेटा, नाउ द पैरामीटर इज आल्सो गिवन टू अस दैट इज 540 एंड ही इज आस्किंग अस टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। नाउ सी व्हेन वी आर एडिंग ऑल दीज वी आर गेटिंग द पैरामीटर 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। जब सबको ऐड करेंगे यू विल गेट 54x इज इक्वल टू 540 एंड x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 540 बाय 54 दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब हम सभी तीनों साइड्स को निकाल सकते हैं, x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे एंड वी विल गेट द ऑल द साइड्स। देखिए 120 सेंटीमीटर, 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर एंड 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। ये सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, यस यहाँ पे। एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, क्योंकि हमें अपने हेरन्स फॉर्मूला में इसको पुट करना है। सो एस इज 270, एस वाज 270, कहाँ पे निकाला हमने, यस यहाँ पे निकाला हुआ है। नाउ 270 माइनस 120, 120 वाज द फर्स्ट साइड, 120 दैट इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, 120 इंटू 170
दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 270 माइनस 250 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. एंड नाउ वी आर गोइंग टू पुट ऑल दीज वैल्यूज इन द हेरेंस फॉर्मूला. एस था 270, 270 इंटू एस माइनस ए 150, एस माइनस बी 100 एंड एस माइनस सी इज 20. नाउ अब क्या करने वाले, इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है. 270 को हमने तोड़ दिया, 10 को अलग रख दिया एंड 9 थ्री जा 27. ऐसे ही इसमें करेंगे 3 इंटू 5 इंटू 10 एंड देन 10 इंटू 10 एंड वी आर गेटिंग 5 इंटू 4. नाउ देखिए हम इकट्ठे कर लेते हैं, पेयरिंग करते हैं, दो दो के पेयरिंग कर लेते हैं. 9 का तो एक बाहर 3 आ जाएगा, इन दो 3 का एक बार 3 आ गया, 5 का एक 5 बार आ गया और 10 का 110 आउट एंड 4 का आप 2 बाहर करेंगे, 2 2 जा 4 होते हैं. ऐसे इन 10 में से एक 10 बाहर आया. नाउ वी आर गेटिंग द आंसर 3 3 जा 9, 5 जा 45, 2 जा 90, 90 को 100 से करेंगे तो वी विल गेट 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके बेटा, सो नथिंग वॉज डिफिकल्ट. एक ही कॉन्सेप्ट आपको समझना था इसमें कि आपको रेशियो में दिया गया, आपको कांस्टेंट लेना है, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट कांस्टेंट एंड देन यू कैन इजीली गेट ऑल द साइड्स ऑफ दैट ट्राइंगल. देन यू हैव टू फाइंड आउट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी फॉर द हेरेंस फॉर्मूला. पुट ऑल द वैल्यूज इन द हेरेंस फॉर्मूला एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ओके बेटा, यस 9th क्लास, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6. And what is asked in this question is that an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter. हमारे को perimeter दिया गया है. This is the perimeter of this triangle, means the sum of the all the sides. This is an isosceles triangle and measure of one side is 12 centimeter. This is also 12 centimeter. Now we can easily find out the third side. कैसे निकालेंगे? 30 minus 12 plus 12, so it is coming out to be 30 minus 24 is equal to 6 सेंटीमीटर. अब तीनों साइड्स हैं हमारे पास एंड वी कैन फाइंड आउट द एस फॉर आवर हेरेंस फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द एरिया. नाउ सी व्हाट वाज द पेरिमीटर, 30 बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, दैट इज द एस. नाउ व्हाट इज द एरिया, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी. हम निकालेंगे, देखिए 15 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 6 एंड वी आर गेटिंग 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9. अब देखिए पेयरिंग करेंगे, दो तीन है तो उसका एक बाहर निकाल दीजिए और 9 में से एक 3 बाहर आ गया एंड वी आर गेटिंग 3 3 जा 9 इंटू अंदर बचा 5 एंड 3 रूट 15. सो व्हाट इज द आंसर एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, दैट इज 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर. ओके बेटा, सो नथिंग वॉज डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन. बस आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है, पैरामीटर दिया है, थर्ड साइड आप निकाल सकते हैं और आइसोसेलेस ट्राइंगल का मीनिंग मालूम होना चाहिए कि दोनों साइड बराबर होती हैं. ओके, कौन सी ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये ध्यान रखना है आपको. एंड यू मस्ट नो द हेरेंस फॉर्मूला, यू मस्ट नो व्हाट इज एस, सो यू कैन इजीली फाइंड आउट दीज क्वेश्चंस. एंड दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज एंड इट वॉज वेरी इजी. ओके बेटा.